देखो ये कि यहाँ से हम पेंसिल उठाएं और देखो संख्या चार्ट को पूरा करो। यहाँ पर ये संख्या चार्ट है, इसमें कहीं कहीं संख्या छूटी हुई है, जैसे फर्स्ट कॉलम में कोई संख्या नहीं लिखी और सेकंड पे लिखा है टू, तो पहले में क्या आएगा? वन, तो हम वन लिखें, ठीक है। सेकंड पे लिखा हुआ टू, आगे लिखा हुआ थ्री, इसके नेक्स्ट में क्या आएगा? फोर। सही नहीं लिखा गया, पेंसिल छोटी करते हैं। फोर, ठीक है। फोर के नेक्स्ट में क्या आएगा? आगे तो सिक्स है, सिक्स से पहले और फोर के बाद में क्या आता है? फाइव, ठीक है। फाइव, सिक्स, सेवन, आगे एट, ये हो गया एट। फिर आगे क्या है? नाइन, और नाइन से आगे क्या आएगा? टेन। बेटा यहाँ पर टेन इसमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये पेंसिल हो जाती है। ये हमारा टेन में यहाँ लिख के दिखा दूँ, हो गया? देखो यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा ना ये, चल टेन यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पेंसिल आ जाती है। अब सिक्स लिख दें पहले, तो सेवन, सेवन से नेक्स्ट में एट, फिर नाइन, और यहाँ पे आएगा टेन। अब यहाँ पे टेन से नेक्स्ट में क्या आएगा? इलेवन। क्या आएगा? इलेवन से आगे ट्वेल्व, ट्वेल्व से आगे थर्टीन, थर्टीन, थर्टीन से आगे फोर्टीन, फोर्टीन से आगे फिफ्टीन, और उसके आगे सिक्सटीन, उसके आगे सेवन, उसके आगे एटीन, नाइनटीन फिल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू जीरो, ट्वेंटी। टू जीरो नहीं, ट्वेंटी, ट्वेंटी, ठीक है। ट्वेंटी यहाँ नहीं लिखा जा रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ट्वेंटी से नेक्स्ट में क्या है? ट्वेंटी और वन, टू वन नहीं बोलते बेटा, कितना बोलते हैं? ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और इधर ट्वेंटी थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, यहाँ पे क्या आएगा? ट्वेंटी फोर, आगे ट्वेंटी फाइव, फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन, और थर्टी। ऐसे करके हम सारा ये काउंटिंग का कॉलम 50 तक कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया? ओके।